लोगों के काम आते रही, क्योंकि कुदरत का एक उसूल है कि लोग जिस कुएं से पानी पीते हैं वो कभी सूखता नहीं। यूट्यूब कोर्स सीरीज की एक और शानदार वीडियो में स्वागत है आपका। आज हम बात करेंगे आरओआई। आरओआई का मतलब है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, यानी मनी। आप में से सवाल का जवाब दीजिए, आप में से कितने लोग ये बात मानते हैं कि आपके लिए आपके कोई फैमिली पर्सन, आपकी वाइफ, आपका हस्बैंड इंपॉर्टेंट नहीं है, तो वो कितने दिन तक आपके साथ में रहेगा? अगर कोई रिश्ता, कोई लोग, कोई चीज आपकी निगाह में इंपॉर्टेंट नहीं है तो मुझे नहीं लगता कि वो ज्यादा दिन तक आपके साथ रुकेगा। तो इसी तरीके से पैसा है, अगर पैसा आपकी निगाह में इंपॉर्टेंट नहीं है तो भाई फिर दिक्कत है। तो मनी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप YouTube किस लिए शुरू कर रहे हैं मुझे नहीं पता, लेकिन मैं जानता हूं कि अगर आप YouTube से या कहीं से भी अर्निंग नहीं करेंगे, क्योंकि पैसा जो है वो हर रूप में अच्छा लगता है और आपका आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। बहुत सारे लोग मेरी इस बात से बहुत खिलाफ रहते हैं, कहते तुम पैसे के बारे में बहुत बात करते हो। भैया पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ के लिए। बोलते पैसे से आप खुशी नहीं खरीद सकते हो। भाई बगैर पैसे के आप खुश नहीं रह सकते हो, बिना पैसे के आप सर्वाइव नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप यूट्यूब कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो पैसा जरूरी है ना। तो आज हम इसीलिए बात करेंगे कि आपने यूट्यूब शुरू करा है तो वहां से पैसा कैसे अर्न करें, क्योंकि पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मनी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन द वर्ल्ड। तो यूट्यूब से आप कितने तरीके से पैसे अर्न कर सकते हैं, आज हम इस बारे में बात करेंगे। आज की जो वीडियो है हमारी, तो उसमें हम डिस्कस करेंगे कि यूट्यूब से आप मल्टीपल वेज ऑफ इनकम, जैसे कि हम हमेशा कहते हैं कि आपके पास कम से कम 50 वेज हो अर्निंग के, इनकम के 50 इनकम के सोर्स हो, 100 हो, तो आपको और अच्छा फील होगा। आपके पास जितने ज्यादा इनकम के सोर्स होंगे उतना ही ज्यादा आप ग्रो कर पाएंगे, उतना ज्यादा आप चैरिटी कर पाएंगे, उतनी ज्यादा आप लोगों की हेल्प कर पाएंगे, उतने अच्छे से आप अपने परिवार की देखभाल कर पाएंगे, केयर कर पाएंगे, उतने अच्छे से आप अपनी केयर कर पाएंगे, उतने अच्छे से आप समाज को कुछ दे पाएंगे। क्योंकि अगर आपके पास पैसा नहीं होगा तो आप कुछ नहीं कर सकते, आप अच्छे से सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, बच्चों को अच्छी पढ़ाई, एजुकेशन, घर और रिश्तेदारी, नातेदारी, आप कुछ कुछ नहीं मैनेज कर सकते अगर आपके पास अच्छा पैसा नहीं है। तो आज हम बात करेंगे कि YouTube से आप कितनी इनकम जनरेट कर सकते हैं, कितने इनकम के सोर्सेज आप जनरेट कर सकते हैं। मैं आपको 6 से 7 सोर्सेज दे रहा हूं, आप देखिए आप कितने अप्लाई कर सकते हैं और कौन कौन से आप फॉलो कर सकते हैं। कोई जरूरी नहीं कि आप सारे करें, आपको जो सा अच्छा लगता है। आप day 1 से भी इनकम स्टार्ट कर सकते हैं, day 2 से, अगर आपके सब्सक्राइबर 0 है या कम है, आपके पूरे नहीं हो पाए सब्सक्राइबर, तब भी आप अर्निंग कर सकते हैं। देखिए ये कौन कौन से हैं, number 1, number 2, number 3, और इन पे डिटेल वीडियोस भी हैं। आज मैं शॉर्ट में ब्रीफ में बात कर रहा हूं, उसके बाद में हम इन्हीं टॉपिक पे डिटेल में बात करेंगे। number 1 पे आता है एफिलिएट मार्केट। एफिलिएट मार्केटिंग को आसान भाषा में समझे तो रेफर करना। रेफर करना कितनी बार हम लोग कितनी चीजों को हम लोग जाने अनजाने में रेफर कर देते हैं। मान लीजिए हम कहीं से सूट लेके आते हैं, कपड़े लेके आते हैं, हमारे घर में मम्मा है और लोग हैं, वो लोग डिस्कस करते हैं कि यार वहां से लेके आना। हम पूछते भी हैं भाई ये घड़ी कहां से लाए, हम कहते फलानी दुकान से, कहते अच्छा मैं भी जाऊंगा वहीं से लाऊंगा। कुछ खा के आते हैं यार वहां की चार्ट बहुत मशहूर है, तो आपने रेफर करा, लेकिन आपको बदले में क्या मिला? कुछ नहीं। यहां पे क्या होता है, यहां पे आप कुछ भी रेफर करते हैं तो आपको वहां से कुछ परसेंटेज मिलता है। जैसे आपने मेरी वीडियोस में देखा होगा, मैं फ्री प्रोडक्ट्स वाले बहुत सारे वीडियोस हैं, तो वहां पे मैं रेफर करवाता हूं कि ये चीज आप लेंगे तो यहां से, तो वो पैसा आपको भी मिलेगा और उनको भी मिलता है। बहुत अच्छा काम है और ये day 1 से आप स्टार्ट कर सकते हैं। आपको जरूरी नहीं कि आपके पास सब्सक्राइबर हो, ज्यादा लोग हो ना हो, एक लोग ने भी क्लिक कर दिया ना आपकी इनकम शुरू। दूसरा आता है एड रेवेन्यू। एड रेवेन्यू का मतलब है मोनेटाइजेशन। मोनेटाइजेशन का मतलब है चैनल आपका मोनेटाइज हो तभी आपको पैसा मिलता है यूट्यूब की तरफ से हर महीने। उसमें आपको बहुत सारे लोग आपने देखा होगा वो आपको क्वेश्चन करते होंगे जो यूट्यूब चैनल वाले हैं कि भाई 1000 व्यूज का कितना मिलता है, 1 व्यू का कितना मिलता है, मंथली आपको कितना पैसा मिलता है, यूट्यूब कितना आपको देता है हर महीने व्यूज का, और सब्सक्राइबर का देता है अलग से कि नहीं देता है, जो भी चीजें। तो एड रन होते हैं उनपे तो वो मोनेटाइजेशन, उसकी एक शर्त है कि आपके पास 1000 सब्सक्राइबर हो और 4000 वॉच आवर हो। अगर ये आप नियम नहीं पूरा करेंगे तो आपको मोनेटाइजेशन का पैसा नहीं मिल पाएगा। जैसे ही आप ये शर्त पूरी करेंगे आपको एड रेवेन्यू वहां से जनरेट हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आएगा आपका बुक। आप बुक से भी पैसा बना सकते हैं यहाँ पे। ई बुक सेल कर सकते हैं अपनी। आप ई बुक में कोई भी खर्चा नहीं लगता है, आप ई बुक से पैसा अर्न कर सकते हैं। नेक्स्ट है कोचिंग कंसल्टिंग। आप यहाँ पे कोचिंग दे सकते हैं, कंसल्टिंग दे सकते हैं, आप क्लासेस दे सकते हैं, पढ़ा सकते हैं, टीचिंग, ऑनलाइन टीचिंग कर सकते हैं। इसके लिए भी आपको सब्सक्राइबर और उनकी जरूरत नहीं है, आप ऑनलाइन स्टार्ट कर सकते हैं और यहाँ पे आप अपने ऑनलाइन कोर्सेज बना के यहाँ पे सेल कर सकते हैं। जैसे मेरी बुक है, ठीक है, कोचिंग कंसल्टिंग है, मैं कोचिंग कंसल्टिंग देता हूँ बिजनेसेस को, एनजीओस को, उनके रजिस्ट्रेशन है, उनका कुछ भी है तो वो मैं ऑनलाइन करवा के देता हूँ। आप फाइल कर सकते हैं, आपके अंदर इसके लिए ITR फाइल करना है, उनका
रजिस्ट्रेशन होने हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट बनना है, प्रपोजल बनना है, रिपोर्ट बनना है, तो वो आप बना बना के उन लोग को दे सकते हैं, उससे आप पर्सनल पैसा ले सकते हैं पर हेड। उसके लिए जरूरी नहीं कि आपके पास बहुत ज्यादा सब्सक्राइबर हो, 100-200 भी हैं, 50 भी हैं, 10-20 भी हैं, तब भी आप उनको डील करके आप काम कर सकते हैं। नेक्स्ट है ऑनलाइन कोर्सेज, आप अपना ऑनलाइन कोर्सेज बना सकते हैं, ऑनलाइन कोर्स बना के सेल कर सकते हैं। मर्चेंडाइज, मर्चेंडाइज का मतलब होता है कि आपने देखा होगा बहुत बड़े बड़े जो ब्रांड हैं वो लोग अपने प्रोडक्ट बेचते हैं, जैसे मोबाइल कवर है, टी शर्ट है, कप है, ब्रांड अपने बना के बेचते हैं, अपने ब्रांड को प्रमोट करते हैं, तो उनके जो चाहने वाले होते हैं, उनके जो फॉलोअर होते हैं, वो सारी चीज़ें वो खरीदते हैं, कैप है, बैंड है, हैंड बैंड है ना, रिस्ट बैंड, बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको वो पेंट अपने नाम से वो करके मर्चेंडाइज वहाँ पे सेल करते हैं। नेक्स्ट आएगा आपका स्पॉन्सरशिप, ये बहुत अच्छी चीज़ है, स्पॉन्सरशिप है, ये भी आपके पास कोई ज़रूरी नहीं कि बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर हो, हाँ आपके पास टारगेटेड ऑडियंस है तो आप स्पॉन्सरशिप ले सकते हैं। अगर आप मान लीजिए व्हीकल वाले हैं, व्हीकल के आप वीडियोस बनाते हैं, तो आप व्हीकल वालों से, क्योंकि उस पे क्या है कि उनको सेल होना चाहिए, उनका प्रमोशन हो, उनकी मार्केटिंग हो, अगर उनको मार्केटिंग हो रही है, उनका प्रमोशन हो रहा है, तो वो आपको पैसा दे देंगे। और बहुत ज़्यादा पैसा मत मांगिए, आप 10-20-50 हज़ार मत मांगिए, आप थोड़ा मांगिए आपको मिल जाएगा, 200-500, आपका काम चलना है ना, तो आपने एक वीडियो उनकी बनाई, स्पॉन्सरशिप लिया, आपने 200-300 रुपये, 400 रुपये, 500 रुपये चार्ज करा, वो फट से आपको देंगे। आप 10-20-50 हज़ार के चक्कर में रहते हैं, इसीलिए वो स्पॉन्सर करते नहीं है। अब मुझसे कोई कहे कि मैं सर आपकी वीडियो स्पॉन्सर कर दूंगा अपने चैनल पे, और मेरे पास हैं 2-4 हज़ार व्यूज आ जाते हैं मेरी वीडियो पे, 200-500 व्यूज आ जाते हैं, तो 100-200 रुपये अगर मांगेगा तो मैं आराम से दे दूंगा ना, कोई टेंशन ही नहीं है, क्योंकि मेरा प्रमोट हो जाएगा, मुझे मालूम है कि टारगेट ऑडियंस है, वहां से मुझे मिल सकते हैं, है ना, सब्सक्राइबर या कस्टमर जो कुछ भी है। नेक्स्ट आता है ड्रॉप शिपिंग। ड्रॉप शिपिंग ये बहुत बढ़िया काम है, आपने देखा होगा मीशो का नाम सुना होगा। मीशो पे कुछ भी नहीं करना है, आपको सिर्फ उठाना है पिक्चर, अपने व्हाट्सएप पे लगाना है, जो कोई ले रहा है वो आपसे संपर्क करेगा, आपने उसमें 10-20-50 रुपये बढ़ा के आगे बढ़ा देना है, कुछ भी नहीं लगा आपको, कुछ भी नहीं, ऑर्डर आपको बुक करना है, सब कुछ आपको करना है, उधर से ले लेना है बस, और बाकी सब कंपनी करती है, आपको मतलब पैकिंग भी आपको नहीं करना है, शिप भी नहीं करना है, वो पहुंचाएगी भी, कुरियर भी, सब कुछ आपको बिना हेडेक के, आपने सिर्फ 4-6-8-10 फोटो लगा दिया स्टेटस पे, किसी ने पूछा भाई ये सूट कितने का है, आपने देखा वो सूट है 270 का, आपने 10-20-50 बढ़ाया और अपना हो गया, दिन भर में अगर 10-20 सूट भी चले गए तो आपका काम हो गया। नेक्स्ट आता है ई कॉमर्स। ई कॉमर्स बहुत अच्छा है, आजकल लोग ऑनलाइन अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो उनको ज़्यादा जानकारी नहीं होती, बहुत सारे लोगों को, कि लैपटॉप कंप्यूटर कैसे, या उनके पास टाइम नहीं है क्योंकि वो अपने दुकान में और उस चीज़ में बिजी है, तो वो हायर करते हैं बंदे को कि भाई तुम मेरा ये सब देख लो, तो आप कहीं से भी कहीं का भी बिजनेस एक्सेस कर सकते हैं, क्योंकि आपको चाहिए सिर्फ एक इंटरनेट का कनेक्शन और एक लैपटॉप कंप्यूटर, मोबाइल पर भी कर सकते हैं लेकिन लैपटॉप कंप्यूटर ज़्यादा ईजी रहता है। उनका आपको एक पेज बनाना होता है, वहाँ पर नीचे जाके सेलर का आईडी फिल करनी है, उनके प्रोडक्ट्स लगा देने हैं, प्रोडक्ट लिस्टिंग कर देनी है, और अगर वो बोलते हैं तो उनका ऐड चलवा देना है, अगर वो बोलेंगे तो नहीं तो इतना काम उनका करना है, मतलब उनके अकाउंट्स को मैनेज करना है, बाकी सब काम हो जाता है। फ्रीलांसर, अगर आपको लगता है कि आप किसी चीज़ में एक्सपर्ट हैं, आप वीडियो अच्छे से एडिट कर लेते हैं, मुझे बहुत वीडियो एडिटर की ज़रूरत होती है ना, मुझे नीड है एडिटर की, क्योंकि मेरे पास काम है ज़्यादा, तो वीडियो एडिट भी मैं छोटे छोटे काम सब खुद ही करता हूँ, तो कोई वीडियो एडिट अगर मेरी कर देगा तो मेरा काम अच्छा हो जाएगा ना। वीडियो एडिट, वीडियो शूट करने के लिए कैमरामैन चाहिए होता है कि अच्छे से वीडियो शूट, तो मुझे पता है कि कौन सा एंगल किधर से है ना, तो ये फ्रीलांसर, और इसमें आप अपने हिसाब से काम करते हैं, मतलब पूरे महीने नहीं, आपको इसमें अच्छा काम मिल जाता है और बहुत कम टाइम के लिए, मतलब 2-3 दिन आप सिर्फ करें या घंटा 2 घंटे, ये आप डिसाइड करेंगे और पैसे आपको उसी काम के हिसाब से मिलते हैं, तो बहुत अच्छा काम है। इसमें आप लोगों को जाके स्पीच भी दे सकते हैं, ट्रेनिंग भी दे सकते हैं, बुक किसी को लिखना है, राइट करना है, बुक पब्लिश कराना है, उसमें हेल्प कर सकते हैं, अगर आपको नॉलेज है कि कैसे बुक लिखी जाती है, कैसे राइट करी जाती है, कैसे पब्लिश करी जाती है, तो वो सारी चीज़ें आप कर सकते हैं, बहुत अच्छी चीज़ें हैं ये, और बिल्कुल जीरो से स्टार्ट हो सकती है। नेक्स्ट है सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन का मतलब है कि आपको जैसे न्यूज़पेपर हमारे घर में आता है तो हमने सब्सक्रिप्शन ले रखा है, मोबाइल का हमने सब्सक्रिप्शन ले रखा है, रिचार्ज हर महीने कराना ही कराना है, ऐसे ही नॉवेल है, ऐसे ही बच्चों की छोटी छोटी मैगजीन होती है, मंथली बुक होती है, वीकली बुक्स होती हैं, वीकली कोई न्यूज़पेपर आपने चालू कर दिया है, वीकली मंथली कुछ भी है, तो उसमें मतलब हर महीने आपको पैसा आना ही आना है,
इसमें बहुत सारी चीजें हैं, ये अलग अलग से वीडियोस पड़ी हुई हैं पूरी एक एक, उसमें मैंने डिटेल में बताया। आज मैं सिर्फ शॉर्ट में बता रहा हूं ताकि आपको आइडिया हो जाए कि आप कौन सा कर सकते हैं, जो सा आप करना चाहें वो सा आप वीडियो उठाएं और वो सा चेक कर लें, ठीक है। नेक्स्ट है पब्लिक स्पीकर, है ना, कम्युनिकेशन स्किल। कम्युनिकेशन स्किल बहुत जबरदस्त है, क्योंकि कम्युनिकेशन अगर नहीं होगा तो लाइफ में आप कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कम्युनिकेट करना आना चाहिए। कम्युनिकेट हम अपने बच्चों को ये स्किल सिखाते नहीं है, तो कम्युनिकेशन, पब्लिक स्पीकिंग, इसमें क्या होता है, इसमें आपको पैसे मिलते हैं, लोग आपको बुलाते हैं स्पीच देने के लिए और आपको पैसे देते हैं, लोग सुनना चाहते हैं कि आपके पास कुछ नॉलेज है जो आप लोगों को से शेयर कर सकते हैं। जैसे आप कुकिंग बहुत अच्छे से कर लेते हैं तो लोग आपको बुलाएंगे अपने इवेंट में, उनके यहाँ पे इवेंट होता है, नॉन प्रॉफिट वाले ऑर्गेनाइजेशन वाले करते हैं, हमारे पास बहुत सारे एनजीओज वाले हैं, वो लोग बहुत सारे प्रोग्राम्स करते हैं, उसमें हम बुलाते हैं लोगों को ताकि वो आके बोलें वहाँ पे और लोग बैठे होते हैं, फ़ायदा उठाएं, उनसे कुछ सीखें कि उन्होंने कैसे क्या किया, तो उनको फिर उस चीज़ का पेमेंट मिलता है। स्टार्टिंग में आप कम लीजिए, 1,000, 2,000, 1,200, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000 से स्टार्टिंग करिए, धीरे धीरे 10, 15, 20,000 बढ़ाते रहिए। एक एक 1.5 लाख रुपए लोगों की फीस हो जाती है एक इवेंट की, 1 से 1.5 घंटा बोलेंगे 1.5 लाख रुपए लेते हैं, तो ये भी बहुत अच्छा है। आप अमेजोन पे अपना आप स्टार्ट कर सकते हैं, फ्लिपकार्ट पे स्टार्ट कर सकते हैं, कोई चीज़ बेचना है, जैसे बुक है, मेरी बुक है, मेरी बुक अमेजोन पे है, तो वहाँ पे आप अपनी बुक, कम्युनिकेशन की बुक है और बहुत सारी बुक है सेल्स की, तो वहाँ पे मैंने दे रखी है, वहाँ पे अपना पैसिव इनकम वहाँ से स्टार्ट हो जाती है। मतलब आपको एक बार काम करना, बुक आपने एक बार लिख ली और हमेशा वहाँ से पैसा मिलता रहता है, तो ये सारे आपके काम है जो इनकम ऑफ सोर्स है, और इनमें पैसिव और एक्टिव दोनों इनकम शामिल है। अब आप डिसाइड करिए आपको कौन सी इनकम पे फोकस करना है, पैसिव इनकम पे फोकस करना है, एक्टिव पे। मैं तो कहूँगा दोनों में करिए स्टार्टिंग में, और ज़्यादा फोकस आप पैसिव पे करिए कि एक बार वर्क कर लें तो ये वीडियोज हैं, यूट्यूब चैनल है, ये भी पैसिव है, एक बार वीडियो बना दी हमेशा के लिए हो गया, दो बार आपने दो वीडियो बना दी हमेशा के लिए हो गए, और ये हमेशा पैसा देती रहती है, एक बार चैनल मोनेटाइज हो गया हमेशा पैसा मिलता रहेगा, है ना। कोई कोर्स आपने क्रिएट कर दिया हमेशा पैसा मिलता रहता है, आपने बुक रेडी कर दिया हमेशा पैसा मिल रहा है, आपने कोचिंग कंसल्टिंग रेडी कर दिया हमेशा पैसा मिल रहा है, आप हट गए आपकी जगह पे कोई दूसरा आ गया, है ना, ट्रेनर है, जैसे सेल्स की ट्रेनिंग है, बहुत सारी चीजें, तो ये आप पैसिव इनकम भी आप कर सकते हैं। एक बार आपको मेहनत करना है, दोबारा आपको हमेशा इसमें से पैसा मिलता रहेगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपनों का ख्याल रखें, अपना ख्याल रखें।